पाचन तंत्र को यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को 100 गुना ज्यादा मजबूत बनाने के लिए आपको इन 3 चीजों का सेवन हर रोज जरूर करना चाहिए। अगर हर रोज नहीं करेंगे तो आपके पाचन में कोई ना कोई दिक्कत हमेशा बनी रहेगी। क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल कुछ ऐसा है, हमारा खान पान कुछ ऐसा है, हम लोग उल्टी सीधी चीजें खाते हैं, नॉन शेड्यूल्ड खाना खाते हैं। आज 11 बजे खाया, कल 12 बजे खाया, कल अगले दिन आपने 2 बजे खाना खा लिया, मतलब ये सारा का सारा जो एक ऐसा शेड्यूल हमारे खाने का बन जाता है जिसकी वजह से हमारे पाचन तंत्र के अंदर में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती ही आती है। और नॉन शेड्यूल खाना खाने की वजह से हमारा जो एक डाइजेस्टिव जो हमारा साइकिल होता है या कि डाइजेशन का जो साइकिल होता है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाता है। तो आइए जानते हैं 3 चीजों के बारे में, कौन सी वो 3 चीजें हैं। सबसे पहले नंबर पे मैं बात करना चाहता हूँ चिया सीड्स के बारे में। चिया सीड्स के अंदर में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है और भी कई सारे न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। अगर आप हर रोज चिया सीड्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो पाचन संबंधी सारी की सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म होती चली जाएंगी। आई थिंक पहले दूसरे दिन से ही आपकी पाचन संबंधी सारी प्रॉब्लम मिटने लगेंगी। आप चिया सीड्स को अपनी डाइट में ऐड जरूर करें। अब दूसरे नंबर पे दोस्तों आपको हल्दी का सेवन करना है। हल्दी का सेवन कैसे करना है? हल्दी का सेवन या तो आप 1 गिलास पानी के अंदर में 2 से 3 चुटकी हल्दी की डाल के अच्छे से मिक्स करके हर रोज सुबह खाली पेट उसका सेवन करें, या फिर रात को सोने से पहले आपने 1 गिलास दूध के अंदर में 1/4 चम्मच हल्दी का उबाल लेना है, बॉइल कर लेना है और सोने से पहले उसका सेवन आपने घूंट घूंट करके उसका सेवन करना है। या फिर दूसरे तरीके से आप ऐसे हल्दी का सेवन कर सकते हैं। तो आपके शरीर के अंदर में अगर पेट में कोई भी प्रॉब्लम है तो हर प्रॉब्लम का एकमात्र ये सॉल्यूशन है हल्दी का सेवन करना। तो आपको इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। अब हम तीसरे नंबर पे बात करते हैं अदरक यानी कि जिंजर। जिंजर के अंदर भी आपके पाचन को सुधारने वाले सारे के सारे तत्व मौजूद होते हैं, सारे के सारे गुण पाए जाते हैं। अगर आप नियमित रूप से अदरक के रस का सेवन करते हैं या तो शहद में मिला के करिए या फिर आप गर्म पानी में डाले करिए, जैसे भी आपको करना है, या फिर कच्चा अदरक का छोटा सा टुकड़ा भी आप चबा चबा के सेवन कर सकते हैं। तो इस तरीके से अदरक का सेवन करना आपके लिए बहुत फायदेमंद यहाँ पे रहेगा। और सबसे लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाचन को अगर आप हमेशा बहुत ताकतवर बना के रखना चाहते हैं कि पत्थर खाएं वो भी हजम हो जाए, कहावत होती है ना कि मेरा पाचन ऐसा है कि मैं कुछ भी खाता हूं तो हजम हो जाता है, उसके पीछे का राज क्या है? उसके पीछे का राज होता है, एक तो गलत चीजों का सेवन आपने बिल्कुल भी नहीं करना है और अच्छी चीजें खानी है, डाइजेस्टिव चीजें खानी है, हल्की चीजें खानी, सुपाच्य चीजें खानी है, जो आपको एक तरह से पेट के अंदर जाके आपका जो साइकिल चलता है ना जो पाचन वाला उसके ऊपर में लोड ना पड़े, ये चीज का ध्यान रखिए। जिनका पाचन कमजोर है उनके बारे में बात कर रहा हूं। तो इसके लिए आपको मैं देखिए हमेशा सजेस्ट करता हूं, या तो आप खाना खाने के बाद में 1 चम्मच सौंफ का चबा चबा के सेवन करें, उसके अंदर में थोड़ी सी मिश्री भी आप, चीनी भी आप डाल सकते हैं, या फिर खाने के बाद में 1/2 चम्मच अजवाइन को चबा चबा के सेवन करना है। ये 2 चीजें भी अगर आप करेंगे तो इतना स्ट्रांग आपका पाचन बनेगा कि आप जिंदगी भर इस वीडियो को याद रखेंगे कि हाँ गुरुजी ने कुछ ऐसा बताया था जिससे पाचन संबंधी सारी की सारी प्रॉब्लम ही हमारी मिट गई। तो आपको ये चीजें जरूर ट्राई करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करेगा, शेयर करेगा और ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े, सब्सक्राइब करें, घंटे वाले बटन को जरूर दबाएं। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।